मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना कार्यक्रम का आयोजन आरोन मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 तथा मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत 27,310 श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 4 मार्च 2023 को मऊगंज जिला रीवा में किया गया, जिसका लाइव प्रसारण आज नगर परिषद आरोन में दिखाया गया। वहीं कार्यक्रम में संबल योजना के अंतर्गत नगर की 2 महिला हितग्राहियों को उनके जिनके पति की आकस्मिक निधन पर 2,00,000 रुपये की सहायता राशि का प्रमाण पत्र उपस्थित नगर परिषद विधायक प्रतिनिधि मिंटू जैन, पार्षद मूलचंद्र बोहरे, पार्षद तीरथ सिंह सहित पत्रकारगण की उपस्थिति में वितरित किए गए। ज्ञात रहे कि कार्यक्रम आरंभ में उपस्थित अतिथियों ने सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ किया। उपस्थित विधायक प्रतिनिधि मिंटू लाल जैन, पार्षद मूलचंद्र बोहरे ने हितग्राहियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका सभी लाभ लें। नगर परिषद और उसके सभी अधिकारी कर्मचारी आपकी हर संभव मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। कार्यक्रम में मंच संचालन सीओ शेख जिगर खान ने किया। कार्यक्रम में नगर परिषद कर्मचारियों सहित सैकड़ों हितग्राही उपस्थित थे। आज नगर परिषद द्वारा ये कैसा क्या कार्यक्रम रखा गया है, किसके संबंध में? आज मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए कुछ राशि आज के लिए की जाएगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। उसी के क्रम में उनको स्वीकृत पत्र यहाँ पर देना थी, इसलिए यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया एवं हितग्राहियों को आमंत्रित किया गया तथा पत्रकार संघ सभी पार्षद लोगों को आमंत्रित किया गया और नगर के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम यही चाहते हैं। अभी कौन कौन हितग्राही को कैसा क्या लाभ प्रदान किया गया? अभी 2,00,000 रुपए की राशि हमारे योजना के तहत मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजना के अंतर्गत एक गुड्डी बाई अहिरवार के लिए 2,00,000 रुपए की राशि का स्वीकृत पत्र हमने उनको वितरित किया है। 1,00,000 रुपए दीप्ति सिलावट जी के लिए 2,00,000 रुपए की राशि का स्वीकृत पत्र वितरित किया है। इसकी राशि शीघ्र शीघ्र इनके खातों में पहुंच जाएगी और इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे, सरकारी जितनी भी जो नीतियां चल रही हैं या उनकी योजनाएं चल रही हैं जिससे हितग्राहियों को लाभ मिलता है, इस अवसर पर मैं सभी नगर परिषद के कर्मचारियों को निवेदन करता हूँ, कहता हूँ कि जनता को इसका लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिलना चाहिए। इसमें कोई वंचित ना रहे, जो भी सरकार की नीतियां हैं उनकी योजनाएं चल रही है उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, ऐसी हमारी सोच है। धन्यवाद।